लिखा हुआ है कि इकाई 12 क्या कह रहा है, बैंकिंग अभ्यास 12 दी है, कह रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के खातों के नाम लिखिए। ठीक है, तो हमने खातों के नाम, कौन खाता होता है, बचत खाता होता है, चालू खाता होता है, सावधि जमा खाता होता है, आवर्ती संचय जमा खाता होता है और अल्प वयस्क खाता होता है। ये 5 प्रकार के खाते खोले जाते हैं। ठीक है, और हमसे क्या कह रहे हैं, चेक क्या है, चेक के प्रकार लिखिए। तो चेक क्या है, चेक एक शर्त रहित आज्ञा पत्र है जो संबंधित खाते से रुपए निकालने के लिए काम आता है। चेक के प्रकार होते हैं, अब कह रहे प्रकार लिखी चेक के, तो चेक के प्रकार बाहक चेक या धारक चेक जिसे बियरर चेक बोलते हैं, एक आदेशित चेक होता है और एक रेखांकित चेक होता है जो क्रॉस चेक दिया जाता है। जब आप कोई से लोन लेंगे या बैंक में लेंगे तो क्या बैंक के द्वारा एक इसमें क्रॉस करके एक चेक दिया जाता है। ठीक है, इस तरह से ये चेक हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक बचत बैंक की पासबुक में दर्ज की गई प्रविष्टियां निम्नांकित हैं, यह ब्याज दर 4% वार्षिक हो तो नवंबर माह के अंत में मिलने वाले ब्याज का प्रकलन कीजिए। अब हमारे पास ये चीज दी गई, देखो दिनांक दी गई है, विवरण दिया गया है, आहरित राशि दी, जमा की गई राशि दी और खाता शेष दिया गया। देखो 1 तारीख को कितना जमा किया गया है, 90,000। ठीक है, फिर इसके बाद ये जमा पर्ची दिया गया है, फिर निकाला गया है, जमा की गई राशि 2,000 बढ़ गए रुपए, 15 तारीख को फिर एटीएम द्वारा 7,000 निकाल लिए गए, फिर इतने घट गए, फिर 30 तारीख को नकद दी। अब हमें ये बताना है कि ये कितने रुपए पे ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, 1 तारीख को क्या हुआ है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे लिखेंगे 1/11/2015 को क्या किया इन्होंने। अब कब तक जाएगा, अब 1/11 से जोड़ेंगे 10 तक के उसी पे मिलना है। ठीक है, तो पहले हमें क्या निकालें, 1/10 से अब कितने दिन हो जाएंगे, 9 दिन हो जाएंगे भाई, 1/10 से 10 तारीख तक कितने दिन हो जाएंगे, 9 दिन हो जाएंगे। तो हमें क्या कब तक जाएगा, तो यहाँ निकालेंगे 9/11/2015, तो यहाँ के कितने दिन हो रहे हैं, 9 दिन हो रहे हैं। तो 9 दिन में हमें क्या हो रहा है, का दैनिक अवशेष, तो दैनिक अवशेष हमारे पास कितना है, कितने में लिया था, 90,000 रुपये, तो 90,000 गुणे कितने दिन हुए, 9, तो 9 ने 81, अब 0 लगा दो, 2 2 4, 2 2 4। ठीक है, फिर क्या हुआ, अब यहां तक पहुंच गए हम, अब 10 से देखेंगे, 10 से 11 से अब हमें लेना कितना होता का होता है, 15 तक, तो क्या 10 से 11 से 14 तक का देखेंगे हम, तो 10/11/2015 से कहां तक जाएगा, 14/11/2015 दिन। अब इसमें दिन कितने हो रहे हैं, 5 दिन हो रहे हैं, कितने दिन हो रहे हैं, 5 दिन हो रहे हैं, का दैनिक अवशेष कितना बच रहा है, देखो तो हमारे पास कितना अवशेष बच रहा है, देखो तो हमारे पास यहाँ पे बच रहा है, देखो 90 था, 2,000 बढ़ गए, 9 2 11 हो गए, 1/10 हो गए, तो लिखो यहाँ पे 1/10, 1 2 3 4 गुणा कितना हो रहा है, 5 दिन का हो रहा है, तो 11 5 55, 1 2 3 4 0। ठीक है, फिर हमारे पास क्या आ रहा है, 15 तारीख से आ रहा है, एटीएम से क्या कर लिया हमने, निकाल लिए, तो 15/11/2015 से अब कहां तक चलेगा, 29 तक चलेगा, 30 को तो हमारे नगद है ही, तो कहां से चलेगा, 29 से 29/11/2015 तक। अभी कितने दिन हो गए हमारे, 15 दिन हो गए, 15 दिन, 15 दिन का दैनिक अब शेष। ठीक है, तो 15 दिन का हो गया, तो यहाँ कितना बचा था हमारे पास, 1/3 बचा था, तो 1/103, 1 2 3 0, अब कितने दिन का, 15 दिन का, तो कर लेंगे, तो 15 तीयो 45, 15 एकम 15, 15 तीयो 45। ठीक है, तो यहाँ पे हम बढ़ा देंगे इसको, तो 15 तीयो 45, 15 एकम 15, अब 0 लग जाएंगे, 1 2 3 0। ठीक है, अब हमें लास्ट वाले दिन हमने क्या किया, 30 तारीख नगद कर लिए कितने, 69,600। ठीक है, तो लिखो यहाँ पे 30/11/2015 से कम से 30 तारीख को ही रहेगा ये, 30/11/2015 का दैनिक अब शेष। ठीक है, तो कितना हो गया, अब किस समय मिलेगा, 1/9 पे, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/09 और 9/00 एक पे, तो 1/09/00। अब हमारे पास मूलधन निकालना, फार्मूला क्या होता है, देखो यहाँ लिखेंगे मूल धन बराबर कुल
दैनिक अवशेष, कुल दैनिक अवशेष, ठीक है। अब कुल दैनिक कितना हुआ, पहले कितना आया था हमारा 81, ठीक 81 तो लिख देंगे यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 0। फिर प्लस कितना जोड़ेंगे, 55, 1, 2, 3, 4, 0। फिर कितना जोड़ेंगे, 1, 54, 1, 54, 5,000। प्लस फिर कितना जोड़ेंगे, 109, 900, ठीक। इन्हें जोड़ेंगे तो कितना टोटल आ जाएगा, टोटल आ जाएगा ये 3,01,490 रुपये, ठीक। अब दर कितनी लग रही है, हमसे बता ही दिया था कितना दर लग रहा है, ये 4%। तो 4% हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दर बराबर क्या है, 4%। कैसी लग रही, दैनिक लग रही है, ठीक है। अब 4% कितनी, वार्षिक लग रही है, ये क्या लग रही है हमारी, वार्षिक, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हमारे पास समय क्या होता है, फार्मूला होता है, समय में क्या होता है, 1/365 दिन का ये फार्मूला होता है। तो फार्मूला लगाएंगे हमें निकालना क्या है, ब्याज। तो ब्याज बराबर फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन हमारा टोटल कितना आया, ये आया, तो मूलधन को हम लिख लेंगे यहाँ पे। तो मूलधन हमारा कितना आया, 3,01,490 गुणे दर कितनी है हमारे पास, 4% की ब्याज लग रहा है। अब हमारे पास समय कितना है, 365, तो 100 × 365, ठीक है। 2 0 से 2 0 उड़ जाएंगे। अब इसका हम देखो गुणा और भाग करेंगे तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 330.40 रुपए। ये हमें ब्याज देना पड़ेगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है कोई एक मिस्टर एक्स है, तो एक्स की बैंक पासबुक में दर्ज की प्रविष्टियां 2017 के अंत में, और कितना ब्याज मिलेगा, ब्याज क्वेश्चन कितना हो, 3.5, वो भी कितना हो, वार्षिक हो 3.5, ठीक। ये प्रविष्टियां दी गई हैं, ठीक। अब हम इसको फिर निकालेंगे उसी तरह जैसे अभी निकाला था। तो हमारे पास पहले चलेंगे 6 से, तो यहां से 6 से चलेंगे, देखो 12 का यहाँ दिया गया तो हम 11 तक का देखें यहाँ से। तो यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे, 0/6/6/2017 से 11/6/2017 तक का कितने दिन हो गए, 6 दिन हो गए, तो यहाँ लिखेंगे 6 दिन, ठीक है, का दैनिक अब शेष, ठीक है। कितना हो गया, कितना जमा किया था, 21, 22, 21, 10,000, 1,00,000, 1,50,000, मतलब 1.5 लाख रुपए इन्होंने जमा किए, कितने, 6 दिन, तो 15 × 96, तो ठीक है। तो 2 2 4 5, 2 2 4 और 5, ठीक है। अब हमारे पास कितना आया, अब 12 से देखेंगे, तो 12 से देखेंगे कब तक का, हम यहां तक का देंगे, 17 तक का देखेंगे, एक दिन कम देखते हैं। तो 12/6/2017 से कितने तक का, 17/6/2017। अब इस दिन कितने हो गए, इसमें भी कितने हो गए, 6 दिन हो गए, 6 दिन का दैनिक अब शेष, ठीक है। तो दैनिक अब शेष हो गया कितने पे, हो गया 1,47 पे, ठीक, 1,47 पे, क्योंकि हमने क्या किया, चेक द्वारा निकाल लिया था 3,000 रुपये, तो कितने बचे, 1,47 बचे। तो 1,47, 3 0, अब कहे तो 6 दिन का, अब गुणा कर देंगे, 47, 42 के 2, 4, 6 6 24, और 4 28, 6 2 8, और 1 2 3 0, ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम क्या तक, यहाँ तक देख लिया, अब 18 से देखेंगे, 18 से कहाँ तक का, 29 तक का। तो 18/6/2017 से लेकर हमें देखना है कब तक का, 29/6/2017, दिन कितने हो गए, 12 दिन, ठीक है, का दैनिक अब शेष, ठीक है। तो कितना बचा था हमारे पास, 7,000 निकाल जमा की राशि, तो अब कितनी हो गई, 1,54 हो गई, 1,54, अब कितने दिन हो गए, 12, अब गुणा कर देंगे, ठीक, 12 × 48, अब 12 × 5 = 60, 4 × 64, 12 × 12 = 18, अब 1 2 3 0, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, 29 तारीख को क्या किया उन्होंने, 12,000 फिर और जमा कर दिए ने 30 तारीख को। तो यहाँ लिख देंगे 30/6/2017 से लेकर 30/6/2017, ये कितना, 1 दिन, 1 दिन का दैनिक अब शेष, ठीक है।
अब देने कब शेष हो गया, तो कितने पे पढ़ ला, 1/66 पे। तो 1/66 गुणे 1/66 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास फार्मूला में मालूम है क्या है, मूलधन बराबर क्या होता है, कुल देने का है। तो लिखेंगे यहां मूलधन बराबर कुल दैनिक अवशेष। ठीक है, तो कितना पहले कितना आया, 90। पहले में कितना बना, 9 लाख बना, तो 9 लाख, 2 2 4 5। फिर कितना बना, 8 82। फिर दूसरा करना 18 48। अब फिर तीसरा बना 1/66। इनको टोटल को हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 79 6 हजार रुपये। ठीक, इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब दर हमारी कितनी लग रही है हमारे पास, दर लग रही है 3.5% वार्षिक। 3.5% क्या लग रही है हमारे पास, वार्षिक। फार्मूला हमें मालूम है, समय में मालूम है, समय बराबर क्या होता है, 365 लगता है। तो 1/365 वर्ष। ठीक है, फार्मूला में मालूम कि ब्याज निकालने के फार्मूला क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक है, कितने पे लग रहा है, 3 69 6 हजार गुणे दर 3.5। समय हमें मालूम है 1/365, और यहाँ पे कितना लगा, 100 गुणे 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, गुणांक काटेंगे पीटिंग कितना आ जाएगा, 364 रुपये। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमारे सवाल हो जाते हैं, इस तरह से हमारी क्या हो जाती है, ये वाला चैप्टर दी एंड होता है। फिर मिलते हैं, तो धन्यवाद, आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, कोई भी डाउट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।